सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SS Blogs। ये मेरे लाइफ का पहला ब्लॉग्स है। आज हम रीवा जिला के गोविंदगढ़ महाराजा मार्तंड सिंह के जंगल के बीच बसी कोठी का नज़ारा दिखाएंगे। हम जहां खड़े हैं ये कोठी का गेट है। दोस्तों, आपका टाइम व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं हम कोठी की ओर। गाइस, वो रास्ता बंद हो जाने के कारण हमें इस कच्चे रास्ते से चलना पड़ रहा है, बड़ी परेशानियों को झेलते हुए। पहुंच चुके हैं, अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है, क्या परेशानियों को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जंगल के बीच बसी हुई कोठी के पास यानी करीब पहुंच चुका हूं। अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा। ये है मेन गेट का नज़ारा। हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं मेन गेट के। देख सकते हैं ये स्वर्गीय राजा मार्तंड सिंह है। ये हमारे स्वर्गीय महाराजा साहब की फोटो लगी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस। तो गाइस, अब हम आपको कोठी का चारों ओर का नज़ारा दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हाथ की एक कला है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो बड़ी सी कोठी दिख रही है वो इस प्रकार की बनी हुई है। इसे छोटा सा भी बनाया गया ताकि लोग अंदर जाने के लिए वर्जित है, इसीलिए हम आपको ये इस छोटे से दृश्य को दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के बगीचे का कितना सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ फूल पत्तियाँ दिख रही होंगी आपको। राजा महाराजा इनके शौक से जीवन गुजारा। तो हम चलेंगे घर की ओर वापस। ये है पीछे का पूरा बंगला नजारा। स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक खाली पड़ा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, आपका ज्यादा समय न लेते हुए ब्लॉग्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय। अगला ब्लॉग हमारा गोविंदगढ़ में गोपाल बाग का और नजारा दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।